YouTube चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, जो पुराने व्यूवर्स हैं, उन तक हम NIS की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ NIS के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए वर्क करते हैं और हमारी पूरी टीम और हमारे पूरे इंस्टीट्यूट सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ NIS की बात करते हैं, जिससे कि बच्चों को NIS बोर्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन घर बैठे बैठे मिल जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, या मैं NIS से 7 क्वेश्चन करने वाला हूं। वो 7 क्वेश्चन जो है वो आप सबके क्वेश्चन हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमें कॉल करते हैं, हमें व्हाट्सएप करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, उन सबको इकट्ठा कर हमने 7 क्वेश्चन बनाए और वही 7 क्वेश्चन मैं NIS बोर्ड से पूछने वाला हूं। और उन 7 क्वेश्चन का लिंक मैं नीचे दूंगा, आप भी वो अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने फेसबुक पेज पर, अपने दोस्तों तक वो पहुंचाए, क्योंकि वो 7 क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं। जब तक ये क्वेश्चन उन तक नहीं पहुंचेंगे तो उनको ये बात कैसे पता चलेगी। और इन 7 क्वेश्चन को मैं बाय पोस्ट कर NIS हेडक्वार्टर भी भेजने वाला हूं, क्योंकि बच्चों के इतने सवाल हैं, इतने क्वेश्चन हैं माइंड में, ना तो स्टडी सेंटर उनकी कोई हेल्प कर पाता है, ना रीजनल सेंटर कोई हेल्प कर पाता है। अब कोई बच्चा अगर वेस्ट बंगाल में है, कोई बच्चा अगर बिहार में है, कोई बच्चा अगर गुजरात में है, मेरे पास हर जगह से कॉल आते हैं, वो बच्चे अपने रीजनल सेंटर जाते हैं तो उनको कुछ बताया नहीं जाता। स्टडी सेंटर बंद हो गए हैं क्योंकि अभी खुल नहीं रहे, तो बच्चे को इतनी परेशानी हो गई है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक हम और हमारी टीम एक ऐसा है जो बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, लेकिन एट द एंड NIS हेडक्वार्टर को ही तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो इतने सारे सवाल करने के लिए क्या वो वेस्ट बंगाल से, पटना से चलकर क्या नोएडा हेडक्वार्टर पहुंचेंगे? तो मैं यही बोल रहा हूं कि NIS हेडक्वार्टर तक ये 7 क्वेश्चन पहुंचाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से किसी ना किसी का एक क्वेश्चन इसके अंदर जरूर होगा। आपको इन क्वेश्चनों को डाउनलोड करना है, इस मैं इमेज बना दूंगा, उस इमेज को बनाकर आपको अपने ट्विटर हैंडल पर आस्क NIS, ठीक है, इस तरीके से ट्विटर हैंडल बनेगा। आप हमारे ट्विटर पे जा सकते हैं, ट्विटर पे जब जाएंगे आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं हैशटैग को, ठीक है। चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो 7 क्वेश्चन क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो नए व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा, जिससे कि नोटिफिकेशन उन्हें आते रहे। और एक चीज और, कि जो बच्चे नए हैं या जो पुराने हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपने ऐड नहीं करा, ये नहीं करा। देखो बच्चों, जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना नाम और नंबर भेजते हैं तो आपको हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन हो जाता है। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली वाला, अगर आप बिहार से हो तो बिहार वाला, और पटना और सॉरी गुजरात से हो तो गुजरात वाला, तो एक एक रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल जाता है। आप डायरेक्ट उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर मुझे ग्रुप में ऐड ही नहीं किया। ग्रुप नहीं होता, वो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है, जिस रिप्रेजेंटेटिव से आप बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन ले सकते हैं। कई बार बच्चों के आंसर्स का डिले हो जाता है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं अपनी टीम की तरफ से, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, हो जाते हैं कई बार, एक दो दिन भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो आप थोड़ा सब्र कर लीजिएगा, आपका जवाब जरूर पहुंचेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा नंबर भी सेव कर लिया होगा। चलिए, तो मैं बात कर रहा था NIS से 7 क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रिजल्ट कब आएगा फाइनल वाला, मतलब जो बच्चे पास हो गए हैं, जैसे मान लीजिए जो 10th में पास हो गए, 12th में पास हो गए, आपने ऑनलाइन रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन उनको ओरिजिनल मार्कशीट, उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उनका पासिंग सर्टिफिकेट, उनकी TC, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो कब तक उनको मिलेगी? कई बच्चे 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई BA में, कोई BCA में, कोई BBA में, कोई MBBS में, कोई इंजीनियरिंग में, तो आप फाइनल रिजल्ट कब निकाल कर देंगे बच्चों को? उन तक पहुंचना चाहिए, तभी तो वो एडमिशन ले पाएंगे। बच्चों ने हमें पूछ पूछ कर बेचारे परेशान हो गए कि सर बता दो हमारा ओरिजिनल रिजल्ट कब आएगा। अब NIS वाले को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो हम बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। मैंने बच्चों को एक अप्रोक्स डेट बताइए कि 10 से 15 सितंबर के बीच आ जाएगा, लेकिन मैं NIS से पूछना चाहता हूं कि फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हार्ड कॉपी आएगी, वो कब तक आएगी और कहां आएगी? हमें रीजनल सेंटर से मिलेगी या स्टडी सेंटर से मिलेगी? आप जल्द से जल्द ये क्वेश्चन हमारे बच्चों को जरूर बताइए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन लिखी थी अपने नंबर बढ़वाने के लिए, अपने डाउट क्लियर कराने के लिए, अपने SYC क्लियर कराने के लिए, जिसमें उन्होंने एग्जाम दिया था उसमें आपने एब्सेंट कर दिया था, तो क्वेश्चन मेरा यह है कि उस एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया, स्टूडेंट कब तक वेट करेंगे?
भाई आपने एनआईएस के पास बच्चों ने एप्लीकेशन भेजी, आपने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें एप्लीकेशन भेज दो, बच्चों का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 90% बच्चों का, 10-20% बच्चों का जवाब आया है और उसमें भी अनसेटिस्फैक्टरी है। तो मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं कि उन बच्चों की जो एप्लीकेशन का है उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि फिर वो बच्चा अपने डिसीजन ले। बच्चे बहुत परेशान है एनआईएस बोर्ड, आप समझते नहीं है, तो जल्दी से जल्दी उस एप्लीकेशन का जवाब दीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये। तीसरा ये है कि जो आप कह रहे थे कि 16 अगस्त के बाद हम अक्टूबर के बच्चों की एग्जाम फीस लेंगे, आपने अभी तक उस डेट को अनाउंस नहीं किया, तो एग्जाम फीस कब भरी जा रही है? ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि एग्जाम फीस कब आप भर रहे हैं, कब बच्चों एग्जाम फीस भरेंगे? उनको टेंशन हो रही है कि कहीं हमारे अक्टूबर के एग्जाम भी पता नहीं होंगे नहीं होंगे, क्या है। तो आप ये डेट बताएं कि अक्टूबर की एग्जाम फीस आप जमा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। अगर करवा रहे हैं तो उसका लिंक तुरंत से तुरंत दे दीजिए, जिससे कि अक्टूबर वाले बच्चे परेशान ना हो। फोर्थ क्वेश्चन ये है बच्चों के दिमाग में कि क्या एग्जाम होंगे अक्टूबर के या प्रमोट पास होंगे। अभी तक आपने इस बारे में भी कोई बात नहीं करी है, क्या अक्टूबर में एग्जाम होंगे या अप्रैल की तरह उनको भी प्रमोटेड पास किया जाएगा, आपने इसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में घूम रहे हैं। तो एनआईएस बोर्ड और चेयरमैन सर, आप जरा इस पे इन क्वेश्चनों पे गौर कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे? भाई सितंबर में प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, आपने अभी तक कोई डेट शीट नहीं दी, आपने अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ना तो आप एग्जाम फी जमा कर रहे हो, ना डेट शीट के बारे में बता रहे हो, ना ये बता रहे हो कि सितंबर में एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, सितंबर में प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे नहीं होंगे। तो प्रैक्टिकल के बारे में आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालें, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, कई सारे बच्चों के दिमाग में ये है, क्या आपने सिलेबस में कुछ चेंज किया है? जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने कहा था, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि हम लोग 30% सिलेबस रिड्यूस करेंगे, तो क्या आप भी एनआईएस बोर्ड भी अक्टूबर वाले बच्चों के लिए कुछ सिलेबस को रिड्यूस करेगा या क्या करेगा, इसका भी नोटिफिकेशन आपको निकालना होगा। बच्चों को यह बताना होगा कि वो कैसे पढ़ाई करेंगे और कैसे उनको सिलेबस कितना पढ़ना है, क्योंकि पैंडेमिक में सारी सिचुएशन बिगड़ गई और बच्चों की क्लासेस नहीं हुई है जो आप देते हैं संडे संडे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा यह है कि क्या आपने सिलेबस में कुछ चेंज किया है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये कहते हैं कि आप अपने असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर जमा करें, आप ये कहते हैं अगर स्टडी सेंटर नहीं है तो आप रीजनल सेंटर पर जाएं, और रीजनल सेंटर नहीं तो नोएडा में जाएं। मैं बात करता हूं बिहार की, जहां लॉकडाउन है, ठीक है, अब स्कूल तो खुल नहीं रहे, बच्चे अपने असाइनमेंट लेकर स्टडी सेंटर जाते तो वो क्लोज है, उसके बाद वो दूर दूर मतलब जाके कोई 200 किलोमीटर है, कोई 300 किलोमीटर जाकर रीजनल सेंटर जाते हैं, वो भी कई बार उन्हें नहीं मिलते हैं खुले में। तो या तो आप स्टडी सेंटर खोलिए या रीजनल सेंटर खोलिए जो कि बच्चे जाकर अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। क्या पटना का बच्चा नोएडा हेडक्वार्टर आएगा क्या? सारा सिस्टम बिगड़ गया है सब, धीरे धीरे सब सीबीएसई वालों ने इतना अच्छा सब कुछ किया, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है, आपने बोल दिया जी 31 अगस्त लास्ट डेट असाइनमेंट जमा करने की, तो स्टडी सेंटर खुल नहीं रहे हैं तो वो कहां जमा करेंगे, असाइनमेंट कहां जमा करेंगे, मुझे बताइए। 31 अगस्त से पहले पहले आपने डेट डाल दी है तो वो कहां जमा करेंगे अपने असाइनमेंट, स्टडी सेंटर बंद है। रीजनल सेंटर जाते हैं वो कहते हैं स्टडी सेंटर पर जाओ, रीजनल सेंटर आधे से ज्यादा बंद है, वो कई बार मिसबिहेव करते हैं बच्चों के साथ, मेरे पास इतनी कंप्लेन है सर उन्होंने ऐसा बोला, सर उन्होंने ऐसा बोला। तो एनआईएस हेडक्वार्टर, आप वहां चेयरमैन सर बैठे, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो इन 7 सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट बहुत पैनिक में है। बच्चे को ऐसे ऐसे जवाब आते हैं, सर मैंने 10th 12th कर लिया एनआईएस से, मेरे को तो लगता है मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। सर बच्चे जीवन बर्बाद करने नहीं आए, बच्चे 10th और 12th करने आए आपके। तो एनआईएस बोर्ड से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए, हमें इन 7 सवालों के जवाब बिल्कुल चाहिए। बच्चों आपको भी मैं कह रहा हूं कि आपको भी इन 7 सवालों का जवाब लेना पड़ेगा, और इसमें से कोई ना कोई जवाब आप सवाल आपके पास भी होगा।
तो आप अपने ट्विटर हैंडल से, हमारे ट्विटर हैंडल मैंने लिंक दिया हुआ, वहां से कॉपी कर वहां से डाउनलोड कर ये क्या कहते हैं ये सात सवाल आप NIS को हैशटैग कीजिए, मैं वो हैशटैग लाइन पूरी ट्विटर में दे दूंगा, वहां तक ये आवाज पहुंचाइए। ये सात सवाल आपके, आपके भाई के, आपके दोस्त के, जो आपके साथ 10th 12th में, कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये सात सवाल है, तो ये NIS तक पहुंचने चाहिए, स्टडी सेंटर खुलने चाहिए। मैं दोबारा से एक बार बोल देता हूं, पहला सवाल रिजल्ट कब आएगा, फाइनल हैंड जो हार्ड कॉपी कब तक आई है हमारे पास। दूसरा, जो एप्लीकेशन हमने दी थी उसका जवाब हम कब तक वेट करें, हमारा सेशन निकल जाएगा, हमारा टाइम निकल जाएगा तो हम अक्टूबर के एग्जाम भी नहीं दे सकते। तीसरा सवाल, एग्जाम फीस कब भरी जा रही है उसकी डेट हमें दे दीजिए। चौथा सवाल कि एग्जाम होंगे अक्टूबर में या प्रमोट पास करोगे, जल्दी से हमें बताइए हमें क्या करना है। पांचवा सवाल, क्या अगर एग्जाम होते हैं तो क्या आपने सिलेबस को कम किया है। छठा सवाल, प्रैक्टिकल कब होंगे, अगर सेप्टेम्बर प्रैक्टिकल होने तो डेट शीट कब देंगे आप, हमें तैयारी भी करनी है। सेकंड और सॉरी लास्ट बिल्कुल सेवन, अपने स्टडी जो आपके स्टडी सेंटर है उनको ओपन कीजिए, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। रीजनल सेंटर हमारे यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है, तो हम कैसे जाएं वहां पर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सात सवालों के जवाब NIS हेडक्वार्टर आपको देने होंगे और NIS के चेयरमैन सर आपको भी ये सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स को बहुत जरूरत है आपकी, आपके सपोर्ट की, NIS बोर्ड हमारे बच्चों को, आप जल्दी से जल्दी सारे सवालों के जवाब दें जिससे कि उनकी परेशानी दूर हो जाए, ठीक है। तो बच्चों, ये आज इन सवालों के बारे में मैं आपके साथ मिलने बात करने आया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में बहुत सारे सवाल आपके भी होंगे, तो अगर आपके हैं तो हमें कमेंट कर बताइए कि आपका कौन सा सवाल था, और अगर फिर भी कोई सवाल इसमें छूट गया है तो आप हमें YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उस सवाल को लेकर और नेक्स्ट वीडियो में उस पर आवाज उठा सकें। आपको बड़े ध्यान से इसको ट्विटर हैंडल पर चलाना है, अपने फेसबुक अकाउंट पर चलाना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। इसका लिंक ट्विटर का मैं नीचे दे दूंगा और इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे डाउनलोड करके आपको आगे तक उसको पहुंचाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी, उसके बावजूद भी आपके मन में सवाल है तो आप हमारी टीम से इस नंबर पर जो नीचे दिया गया है इस पर जाकर व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं और अपने सवाल यूट्यूब पर जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।